नहीं बैठता इधर मेरे को नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। नो एफआईआर, नो वकील, नो जज, आरटीओ कर्मियों का फैसला ऑन द स्पॉट। अरे नहीं नहीं अरे हमारे पास हटाने के लिए है, ये भगेगा और कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ निपको सर, निपको गाड़ी में निपको सर, बैठना नहीं बैठना, बैठना नहीं बैठना तू। अरे निपको सर बैठ, अरे बैठ बैठ, मैं बोला गाड़ी में बैठ जा रहा हूँ, इधर तेरे को बोलते हैं गाड़ी बैठ जा चुपचाप। इस वीडियो को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमने शुरुआती पंक्तियों में जो कहा वो क्यों कहा, क्योंकि आरटीओ कर्मी ने मौके पर ही एक ड्राइवर की पिटाई कर दी, कानून के किसी नियम का पालन नहीं किया। हालांकि उन्हें और भी बहुत से अधिकार हैं, लेकिन उन्होंने थर्ड डिग्री रोड पर ही देने का फैसला किया। उन्होंने ये जरूरत नहीं समझी कि एफआईआर करवाई जाए, बस रोड पर लोगों के सामने पीटना शुरू कर दिया, किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, ढेरों गालियां दी ड्राइवर को, जबकि वहां पर महिला आरटीओ कर्मी भी थी। आखिर क्यों? ये घटना है बूंदी राजस्थान के गांव केशो राय पाटन की। 10 फरवरी की ये घटना बताई जा रही है। यहां पर इस ड्राइवर का बेतरतीब तरीके से आरटीओ कर्मी ने अपनी आदत के मुताबिक पीछा किया, जबकि ऐसी चेस से वो बाल बाल बचे। आपने देखा कि वहां साथ में नहर भी है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। पहले भी हम इस तरह की कई खबरें कर चुके हैं, आगाह कर चुके हैं आरटीओ कर्मियों को कि उनका इस तरह का बेतरतीब चेस किसी भी बड़े हादसे को बुलावा दे सकता है, लेकिन ये है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इस तरह बीच रोड पर किसी को पीटने की इजाजत या अधिकार इन आरटीओ कर्मियों को किसने दी? यहाँ तक कि थाने में ले जाकर भी पुलिस कर्मियों द्वारा किसी आरोपी को इस तरह नहीं पीटा जा सकता, लेकिन आरटीओ कर्मियों ने इतनी सी भी जहमत नहीं उठाई कि उसे थाने ले जाया जाए, उसके बाद जो कार्रवाई हो वो करें। ये वीडियो हमें कालू राम ने भेजी है, वो भी बूंदी राजस्थान के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ये चालक जिसकी यहाँ पिटाई हुई, पिटाई के बाद उसके माता पिता पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाने निकल चुके हैं। इस तरह की मनमानी के लिए इन आरटीओ कर्मियों की जाँच तो होनी चाहिए। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज, देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90831 90831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम।